आज दिखाता हूँ फिर से आप लोगों को एक चमत्कार जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक कॉलम की हम जब कास्टिंग की बात करते हैं और फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले फ्रेम खड़ा होना चाहिए जिसका लोड फ्रेम बाय फ्रेम आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है और आपका फाउंडेशन तक पहुंच पाता है। देखिए कॉलम उसको लोड को ट्रांसफर करने का काम करता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, ये आपके कॉलम की कास्टिंग बाद में की जाएगी यहाँ पर, जिसकी वजह से जो कॉलम का लोड होगा वो आपके इन ब्रिक वर्क में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जहां से आपको ब्रिक वर्क से भी आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जो कि प्रॉपरली फ्रेम स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। और साथ में साथ जो कॉलम का शेप आने वाला है, जैसे कि आप यहां देख रहे हो यहां का गैप और यहां का अलाइनमेंट गैप आपको कहीं ना कहीं कम ज्यादा दिख रहा है, जो कि आपके कॉलम के शेप को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं बनने देगा। साथ में आप देख रहे हो यहां पर, अगर मैं कैमरामैन को बोलूं कि थोड़ा आगे आके दिखाएं, तो इन दोनों के बीच में भी आपको गैप दिख रहा होगा यहां पर, कि यहां गैप कुछ और है, यहां गैप कुछ और है। इन गैप से बचने के लिए कॉलम को पहले ही कास्ट कर दो, जिससे फ्रेम स्ट्रक्चर आपका पूरा बन पाए। देखिए सेमी फ्रेम स्ट्रक्चर की भी एक कहानी होती है, लेकिन सेमी फ्रेम स्ट्रक्चर से पहले आप फ्रेम स्ट्रक्चर को डिजाइन कर लो, उसके बाद आपका ब्रिकवर्क का कास्टिंग होना चाहिए।